हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस ज़ैंथोफाइटा। आज के टॉपिक में हम ज़ैंथोफाइटा को स्टडी करेंगे। द मेंबर्स ऑफ दिस डिवीजन आर करैक्टराइज्ड बाय देयर येलो ग्रीन कलर। अब ज़ैंथोफाइटा डिवीजन के जो मेंबर्स हैं उनका मेन करेक्टरिस्टिक्स ये है कि उनका कलर क्या है, येलो ग्रीन है। सो द मेंबर्स ऑफ दिस डिवीजन आर कॉल्ड येलो ग्रीन एल्जी। तो यही रीज़न है कि इस डिवीजन के जो मेंबर्स हैं उनको क्या कहा जाता है, येलो ग्रीन एल्जी। द डिवीजन इंक्लूड 76 जेनरा एंड 376 स्पीशीज विच आर इंक्लूडेड इन अ सिंगल क्लास द ज़ैंथोफाइशी। अब ये जो डिवीजन है इसमें 76 जेनरा हैं और 376 स्पीशीज हैं एक ही क्लास में, और वो कौन सी है, ज़ैंथोफाइशी। नाउ जनरल अकाउंट ऑफ ज़ैंथोफाइटा। नंबर वन, द मेजोरिटी ऑफ येलो ग्रीन एल्जी आर फ्रेश वाटर, बट सम ऑफ दी स्पीशीज आर एरियल, growing on tree trunks, on damp walls or soil, on drying mud. A few species are marine, for example Haplophyra. अब आप देख सकते हैं कि जो majority है येलो ग्रीन एल्जी की, ये फ्रेश वाटर हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो एरियल ग्रोइंग हैं, मीन्स के ट्री ट्रंक्स पे ग्रो करती हैं, कुछ डैम्प वॉल्स पे, नमी वाली दीवारों पे और सॉइल पे, और ड्राइंग मड पे, खुश्क मिट्टी पे भी ये ग्रो कर जाती हैं। अ फ्यू स्पीशीज़ आर मेरीन, कुछ स्पीशीज़ इसकी मेरीन भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेलोस्फेरा। नंबर सेकंड, द मेंबर्स ऑफ द क्लास शो अ वाइड रेंज इन थैलस स्ट्रक्चर। अब जो मेंबर्स हैं इस क्लास के, ये वाइड रेंज थैलस है, इनका जो स्ट्रक्चर है थैलस का स्ट्रक्चर वो वाइड रेंज है। द थैलाई रेंज फ्रॉम यूनिसेल, यानी इनका जो थैलस है ये यूनिसेल से स्टार्ट होके जिसमें कौन से मेंबर्स आ जाएंगे, क्लोरोमोबा, क्रोमोमिसोन और टू पैल्मेलाइड स्टेट क्लोरोसेकस, एंड ऑल्सो थ्रू द फिलामेंट्स ट्राइबनेमा हेट्रोकॉकस टू द साइफोनेशियस हैबिट विचेरिया बॉट्रिडियम, जिसमें आ जाते हैं। नंबर थर्ड, द ज़ैंथोफाइशियन सेल हैज़ अ डेफिनेट सेल वॉल chiefly composed of pectic substances either pectose or pectic acid. अब जो ज़ैंथोफाइशियन है सेल जो है उनके पास डेफिनेट सेल वॉल है और वो पैक्टिन की सब्सटेंसेस की बनी हुई है, और इसके अलावा पैक्टोज और पैक्टिक एसिड भी इंक्लूड होते हैं सेल वॉल में। इन मैनी जेनरा द सेल वॉल्स आर इन द फॉर्म ऑफ टू इक्वल और अनइक्वल ओवरलैपिंग हल्व्स, और बहुत से जेनरा में जो सेल वॉल्स हैं या तो वो दो इक्वल या फिर अनइक्वल ओवरलैपिंग हल्व्स में हैं। नंबर फोर्थ, द सेल्स इन मोटाइल जेनरा हैव टू अनइक्वल फ्लैजेला अटैच टू द इंटीरियर एंड। अब जो सेल्स हैं वो मोटाइल जेनरा में उनके पास दो अनइक्वल फ्लैजेला हैं, और जो अटैच्ड हैं किसके साथ, इंटीरियर एंड के साथ। वन फ्लैजेलम इज टिनसल टाइप एंड द अदर व्हिप्लैश टाइप। एक फ्लैजेला टिनसल टाइप का होगा और दूसरा व्हिप्लैश टाइप का होगा, दोनों फ्लैजेला थोड़े डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। नंबर फिफ्थ, द पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन द डिस्क्वाइड क्रोमेटोफोर्स एंड कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स। अब जो पिगमेंट्स हैं वो डिस्क्वाइड क्रोमेटोफोर्स में प्रेजेंट हैं और कंसिस्ट हैं किस पे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स। क्लोरोफिल बी इज एब्सेंट, इनमें क्लोरोफिल बी एब्सेंट होगा। द डोमिनेंट पिगमेंट इज ज़ैंथोफिल, डोमिनेंट पिगमेंट ज़ैंथोफिल है। डायडेनोज़ैंथीन विच प्रोवाइड्स द सेल्स इट्स करेक्टरिस्टिक्स येलो ग्रीन कलर, और यही जो पिगमेंट है इसको येलो ग्रीन कलर देगा। द पायरेनाइड्स आर एब्सेंट, पायरेनाइड्स इसमें एब्सेंट है। नंबर सिक्स, द चीफ रिजर्व फूड्स आर ऑयल, लिपिड एंड ल्यूकोसिन क्राइसोलेमिनेरियन। अब जो चीफ फूड है इनकी ऑयल और लिपिड और ल्यूकोसिन की फॉर्म में है। मैनी जेनरा हैव यूनी न्यूक्लियर सेल्स वाइल अदर्स हैव मल्टी न्यूक्लियर वंस, और बहुत से जेनरा जो हैं वो यूनी न्यूक्लियर सेल्स हैं, यानी कि सेल में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और कुछ में मल्टी न्यूक्लियट्स भी प्रेजेंट हैं जिनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, जिन सेल्स के पास। नंबर सेवन, द मेंबर्स ऑफ द क्लास यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली एंड एसेक्सुअली, बट इन अ फ्यू जेनरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो फाउंड। इन मेंबर्स में यूजली जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिवली और एसेक्सुअली होती है, लेकिन कुछ जेनरा जो हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है। नंबर एट, द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ज़ाइगोस्पोर्स, एप्लैनोस्पोर्स एंड एकाइनेट्स, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो किसके थ्रू होगी, ज़ाइगोस्पोर्स के थ्रू, एप्लैनोस्पोर्स के थ्रू और एकाइनेट्स के थ्रू। नंबर नाइन, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रेयर एंड इज जनरली ऑफ आइसोगैमस टाइप, फाउंड अमंग द
साइफोनेशियस जनरा लाइक विचेरिया, और जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत रेयर है, और ये आइसोगेमस टाइप स्पीशीज़ में पाई जाएगी, और वो कौन सी होंगी, सिफनोशियस जेनरा जिसमें आ जाता है विचेरिया। तो स्टूडेंट्स, हमारा जेंथोफाइटा का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।